मैं उस घोड़े को भी गधा ही कहूंगा जो अपनी ताकत को ना बचा समझ आ रहा है। घोड़ी घोड़ी घोड़ा घोड़ी जो मर्जी हो लेकिन मैं उस घोड़े को भी गधा ही समझूंगा, उस शेर को भी गधा समझूंगा जिसके अंदर अपनी ताकत ना पहचानने की। समझा? एक बार क्या होता है, काम सुना मेरे को भी याद है। एक बार क्या होता है, हाथी में और एक गधे में बहस होती है। किसी का बच्चा रहता है थोड़ा उसको बाहर घुमा लो फ्रेश हो जाएगा। एक बार गधे में और हाथी में बहस हो रही है। इसमें बहस हो रही होती है हाथी में और गधे में बहस हो रही है। गधा बोलता है आसमान पीला है, हाथी बोलता है आसमान नीला है। दोनों बहस कर रहे हैं, बहस बहुत लंबी हो गई, एक दिन दो दिन लग गए, कोई अंत नहीं निकल रहा है। तो दोनों क्या करते हैं, जंगल का राजा कौन, शेर, शेर के पास कि राजा साहब हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा जो मुद्दा है, इसका समाधान निकालिए। तो शेर पूछते हैं कि मुद्दा क्या है। बोले जी मुद्दा ये है कि ये जो गधा है ये कह रहा है कि आसमान पीला है और हाथी बोले मैं कह रहा हूं कि आसमान नीला है, अब आप बताओ सही कौन है। शेर बोलता है गधा सही है, तू ही गलत है। फिर गधा खुश हो गई निकल गया। हाथी बेचारा मायूस होकर बैठा हुआ शेर के पास कि राजा साहब आपको भी पता है कि आसमान नीला है, फिर आपने ये क्यों बताया कि गधा सही है। शेर कहता है कि भैया मैंने इसलिए बताया कि गलती तेरी है, क्योंकि जब पता है कि गधा है तो इसके साथ बहस किया क्यों। इसलिए कई बार आपको पता होना चाहिए कि भैया क्या चीज सही है और क्या चीज गलत। समझे समझे, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी क्षमता को पहचानो, आप क्या कर सकते हैं आप उसे पहचानो। आप खेत खलिहान के लिए नहीं पैदा हुए, आप मजदूरी भटक करने काम करने के लिए नहीं पैदा हुए। जब इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस की, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत हुई, उसे दिन समझ जाना चाहिए कि अब हम जैसे लोगों के लिए एक अच्छा समय आ गया। समझ आए ना? हम वो लोग नहीं है कि जो लाखों करोड़ों रुपए लगा के मार्केट में कोई धंधा खोल सके, हमारे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है। मेरे अंदर करोड़ों रुपया लगाने की ताकत नहीं कि मैं करोड़ों रुपया लगाऊं कहीं पेट्रोल पंप खोल दूं। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं करोड़ों रुपया लगाऊं और कहीं मार्केट में एक बड़ा सा शोरूम ले लूं। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, लेकिन हाँ मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं सेल शॉप जैसी कंपनी में अपनी एक जरूरत पूरी करूं और साथ अपनी पूरी ताकत लगा दूं अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, कि मैं उन्हें अच्छा जीवन दे सकूं। समझाया नहीं? समझे हो नहीं समझो? तो मेरे दोस्त हमेशा अपनी ताकत को पहचानो। आप लोग बने हुए, आप मानसिकता जो है, मैंने जो थोड़ी देर पहले भी एक बात कही थी कि टारगेट जीतना आसान है, जैसलमेर भी जीत जाओगे, यूरोप थाईलैंड सारे जीत जाओगे, लेकिन एक चीज से जीतना मुश्किल है। वो कौन सी चीज थी दर्शक? होती अपनी मानसिकता, अपनी सोच, अपने आप से जीतना मुश्किल है, क्योंकि मन के जीते जीत और मन के हारे हार है। जो अपने मन से ना जीत पाया वो दुनिया नहीं जीत सकता, और जिसने खुद को जीत लिया ना वो दुनिया जीत लेगा। समझ आए क्या? लोग आएंगे। आप सोच के देखो ना, जब मैं बिजनेस में आया था, जब सुमित्रा मैडम बिजनेस में थी, शशिकांत सर बिजनेस में आया, संजय सर, कोई भी जो आज ये हो रहे ना लाखों की टीमें मेरी, आज करोड़पति बन गया, ये हो गया वो हो गया। सोच के देखो, जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं क्या हमें पता था कि कल क्या होगा? नहीं था। हमने कहीं ना कहीं अपने मन को मजबूत किया। किसको मजबूत किया? अपने आप को मजबूत किया। क्या लोगों ने हमें नहीं ना की होगी? आप लोग सोचो, अरे यार सतीश ठाकुर सर 7 करोड़ है, लगता है लोग घर आके घंटी बजा के पैसे देते होंगे आपको।
जब बिजनेस शुरू किया था ना तब घर में घंटी भी नहीं थी, समझ आ रहा नहीं आ रहा? तब घर में घंटी भी नहीं थी, अब बड़ा सा घंटा लगा दिया, समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो इसलिए चीजों को समझो, आसान जैसा कुछ होता नहीं है, आसान बनाना पड़ता है। आसान कुछ भी नहीं था, ना इनके लिए आसान था, ना मेरे लिए आसान है, ना आपके लिए आसान होगा, आसान नहीं है मेरे दोस्त। बट हाँ एक चीज है, अगर आपने अपने मन में ठान लिया कि चाहे 10 लोग हो, 50 लोग हो, 100 लोग हो, चाहे जितने भी मना कर ले, मैं तो राइस बनूंगा, अगर ये लोग बन सकते हैं, अगर ये लोग रोड से निकल के करोड़ में जा सकते हैं, अगर टेम्पो चलाने वाला व्यक्ति आज करोड़पति बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? समझाया नहीं? मैं क्यों नहीं बन सकता? मैं भी बन सकता। तो इसलिए ध्यान देना है, अपनी मानसिकता से लड़ना है, समझे ना? समझे? किससे लड़ना है? यहाँ की कुश्ती लड़ने वाला काम नहीं है कि भैया तैयार मैं नहीं कर सकती। भैया सुमित्रा कोई भी तो औरत है, कौन से हमें शेविंग करके बैठा रखा है यहाँ बिल्कुल है कि भाई ये तो जेंट्स है, ये भी औरत, हमारे सुखो भी औरत, बहुत सारी औरतें यहाँ पे, दो और लड़कियों की फोटो और लगी वहां, ये भी लड़कियां हैं भैया, सब कर सकते हैं, बच्चे पूरे कर सकते हैं। इनको देखो, इनसे जवान आपको कोई हॉल में मिलेगा ना? सही कर रही है? इनके कदम रुकने तक ताली नहीं रुकनी चाहिए। जब कदम फिर चले तब तालियां चलानी है, ठीक है? अभी इनके देखिए, इनके सिर में आप एक बाल काला नहीं मिलेगा, और आप लोग काली सोच लेकर बैठे ऐसे काम नहीं चलेगा, समझ आया? सोच को सही रखें। शरीर इनका भी साथ नहीं देता है, मुझे मालूम है भाई, मैं देख रहा हूं, जब मैं बिजनेस में आया था ना उस टाइम वाली एनर्जी आज नहीं है बॉडी में, शशिकांत उस टाइम हमारे जबड़े में ना दर्द होती थी प्लान देते, क्योंकि हम उस टाइम जवान थे। धीरे धीरे क्या हो रही है, उम्र निकलती जा रही है, हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। तो जब मैं इनको देखते यार इनकी उम्र तो भैया हमसे भी कहीं है, इनके बराबर तो मेरे पिताजी की उम्र नहीं है। सोच के देखिए, आज भी ये उसी जोश जुनून के साथ, मैं जब भी हॉल में होता हूँ मैं इनको सबसे ज्यादा जुनूनी पाता हूँ, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा ऊर्जावान अगर मैंने किसी को पाया तो हमेशा इन्हीं को पाया, हमेशा हल्ले के साथ जोश के साथ खड़े रहते। क्या इनको दर्द नहीं होती? नहीं होती, शरीर के हिसाब से देखा जाए तो होती है, जाहिर तौर पे होती है भाई, लेकिन ये शरीर से नहीं लड़ रही, इन्होंने अपने दिमाग को पहले ही अपने बस में कर लिया, समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये अपनी सोच से पहले लड़ चुकी है। यही वजह है कि अपने बेटे के साथ आज इतनी खूबसूरत बिजनेस को कर रही है और आज बहुत अच्छे मुकाम पे, जानते हो इनको? जानते हो? मुझे पूरा यकीन है, पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी आप इनको डायमेंशन वाली फोटो में यहां देखेंगे। इनकी संतोष, इनका जुनून, इनका हौसला इस बात की दवाई दे चुका है कि ये बहुत जल्दी डायमंड बनने वाली है, बहुत जल्दी। तो अब बारी किसकी है? किसकी बारी है? मेरी बारी, ठीक है? चलिए बात करते हैं, ताली होनी चाहिए।